कोई एक्टर ही है कि इसमें को मतलब कौन सा डायरेक्शन करते हैं या राइटिंग स्क्रिप्ट का थोड़ा इसके बारे। मोबाइल चोर बैन बराती थ्री उसी में हो गया मेरा चैनल फ्री। कहाँ तक का पढ़ाई किया है, क्या सब्जेक्ट रहा है? ऑफर तो आते ही रहता है लेकिन अपना माने कि निकालना है ना फिल्म टू पे, माने कि ज़्यादा माने कि सोचता है कि बहुत सारा पैसा है, वैसा नहीं है, मेहनत। नमस्कार, आप देख रहे हैं रविशंकर ब्लॉग्स और अभी हम मौजूद हैं रियाज प्रेमी के पास। रियाज प्रेमी और भाई हैं मनी मिराज के, जो कि भोजपुरी वाइन्स के रूप में एक अच्छे कलाकार के रूप में तो जाने ही जाते हैं, लेकिन बिहार में खास करके और जहां भोजपुरी भाषा बोली जाती है वहां के सबसे पॉपुलर क्रिएटर माने जाते हैं। हम मौजूद हैं और रियाज प्रेमी उनके छोटे भाई हैं और वो भी यूट्यूब पर आ चुके हैं और धमाल मचा रहे हैं, जिनका चैनल का नाम रियाज प्रेमी टीम है। तो सर भी आपका स्वागत है। थैंक यू। और रविशंकर ब्लॉग्स के माध्यम से जितने भी हमारे भाई दोस्त देख रहे हैं सभी को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम। और आप ये जहाँ जितने लोग को देख रहे हैं सब इनके टीम के मेंबर हैं, सबसे हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। हेलो भैया, आपका नाम? जी मेरा नाम हुआ रंजन चौधरी। थोड़ा सा कोई अपने अपने नाम के साथ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस दे दीजिए अपने अपने। मेरा नाम हुआ दीवाना गुड्डू काजू कसाई के नाम से ये जाने जाते हैं भैया। और आप तो सबसे स्मार्ट है इस ग्रुप में। मेरा नाम साहिल। जी भी साहिल। और आप? मेरा नाम हुआ रविराज। ये इन लोगों का क्रिएटर नाम है। आपको बता दूं कि ये तो टीम है ही। मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि सब कोई एक्टर ही है कि इसमें को मतलब कौन सा डायरेक्शन करते हैं या राइटिंग स्क्रिप्ट का थोड़ा इसके बारे में भी पता चल जाता। साहिल भाई है जो राइटिंग करते हैं। लिखाता नहीं है, मतलब हम लोग सोच के ही सब करते हैं। और डायरेक्शन सब रियाज भाई करते हैं, साहिल भाई करते हैं, रवि भैया करते हैं, सब कोई करता है। यानी पूरे देखिए पूरा टीम का मेहनत है। आपको दिखता है कि जो रियाज प्रेमी टीम पे जितना वीडियो आता है एक आदमी का मेहनत नहीं होता है, बल्कि सभी जितने भी मेंबर हैं सभी का मेहनत होता है। रियाज भैया, हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि आपने चैनल का शुरुआत कब किया और कैसे किया और कैसे कौन सा वीडियो आपका वायरल हुआ? मेरा चैनल का स्टार्ट किए हुए हो गया एक साल जी। और मोबाइल चोर मेहमान, कौन मेहमान था, करियक्का मेहमान, उसके बाद में आया बैन बराती थ्री उसी में हो गया मेरा चैनल फ्री। वो तो 10 मिलियन व्यू जाने वाला है उस पर। बस यही सब मैंने कि शुरू में। अच्छा, आपको ये वीडियो बनाने का प्रेरणा अपने भैया से ही मिला कि आपके भी अंदर एक ऐसा पहले से मौजूद था कि मुझे भी यही सब क्रिएटिंग करना है, क्रिएटर बनना है? भैया तो वीडियो पहले से बनाते थे, उसके बाद में हम भी सोचे कि YouTube पे वीडियो बनाया जाए और बनाना स्टार्ट किया और सभी दर्शकों का प्यार मिला और उससे ज़्यादा मेहनत करते गए। और मैं जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बता देते कि आपने कहाँ तक का पढ़ाई किया है, क्या सब्जेक्ट रहा है? पढ़ाई देखिए ज़्यादा नहीं है, फिर भी माने कि काम चल जाता है। हाँ देखिए, ठीक है एजुकेशन मायने रखता है, लेकिन अगर आपके पास टैलेंट हो तो बड़े बड़े एजुकेशन भी आपके सामने घुटने पर जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मंत्रियों के सामने आईएएस अफसर जैसे सर झुकाए रहते हैं, तो वहीं आज के अगर आपके पास टैलेंट है तो टैलेंट की कदर होगी। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अभी आपका चैनल अब बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। मैंने कुछ दिनों पहले देखा था 5 लाख सब्सक्राइबर था और अभी आज तुरंत देखा हूँ तो 8.25 लाख सब्सक्राइबर हो गए। और आने वाले समय में क्योंकि बहुत सारे जैसे कि अखिल है करके मतलब जो भी क्रिएटर भोजपुरी के उनको फिल्मों में मौका मिलता है, आपको ऐसा कुछ ऑफर आया है या आने वाला है? ऑफर तो आते ही रहता है लेकिन अपना माने कि निकालना है ना फिल्म, ऐसे थोड़ा मोड़ा फिल्म में सीन लेने से वैसे अच्छा नहीं होता है ना? नहीं होगा, क्योंकि वो हो जाएगा दोस्त का रोल हो जाएगा। तो फिल्म खुद का बनाएंगे ये लोग अपना, क्योंकि टीम तो बन ही चुकी है और सब कुछ मौजूद है। ये भी जानना चाहूँगा कि क्योंकि आजकल आप लोगों को देखकर गांव में खासकर बहुत सारे बच्चे हैं कि जो कि यही कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई पर कम, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान दें, उनको क्या ऐसा बोलना चाहेंगे ताकि वो भी आगे चलकर एक अच्छे खासे क्रिएटर बन सके आपके तरह? देखिए, अगर अंदर टैलेंट है तो वीडियो बनाइए और मेहनत कीजिए, एकदम आगे बढ़िएगा। और ऐसे झूठों के वीडियो बनाने से कुछ होगा नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पढ़ाई भी जरूरी है। हाँ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और ऐसे माने कि कोई अगर भाई हमारे वीडियो बना रहे हैं उनके अंदर टैलेंट है तो एकदम मेहनत कीजिए। अच्छा, आप किसी को मौका देते हैं कि नहीं? क्योंकि होता है ना कि जो बड़े नाम बन जाते हैं उनके सारे अगर किसी को मौका, जैसे आप मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अपने वीडियो में किसी और छोटे मोटे एक्टर को मौका देना? बहुत सारे एक्टर को मौका देते हैं, एक्टर ना भी है वो भी उनको भी हम मौका देते हैं। और मैं आपके इनकम के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे हैं जो कि आप पूछते रहते हैं कि अरे ये तो, क्योंकि देखिए एक सोशल मीडिया साइट है जहाँ से हम लोग देखते हैं तो बहुत सारा इनकम बताता है, क्या वो सही होता है क्या? देखिए वैसा माने कि बात नहीं है, YouTube पे माने कि ज़्यादा माने कि सोचता है कि बहुत सारा पैसा है, वैसा नहीं है, मेहनत आदमी करता है, वीडियो हम लोग बनाते हैं, हम लोगों का घर चल जाता है, माने परिवार माने कि चलता है बस।
तो चलिए हमने रियाज प्रेमी से तो बात ही कर लिया, आइए थोड़े बहुत इनके मेंबर से भी बात करते हैं। भैया थोड़ा आप भी बताते हैं अपने टीम के बारे में। जी तो टीम के बारे में अभी तो बताए हैं रियाज भैया, सब तो बताए ही हैं। हाँ जी, और आप लोगों का ये जो टीम है आगे चलकर तो इतना मुझे भी उम्मीद है कि बहुत बड़ा टीम बनने वाला है और बहुत बड़े क्रिएटर होने वाले हैं। तो ये बताइए कि कभी कभी आप लोगों में झगड़ा भी हो जाता होगा ना कि हंसी मजाक चलते रहता है, सीन के लिए झगड़ा होता है कि नहीं मुझे एक अच्छा सीन चाहिए, मुझे अच्छा सीन चाहिए, जो सीन मिलता है जो रोल मिलता है वही में ये चीज नहीं है इनमें बोलते हैं इनको बाप का रोल दिया जाता है, ये बोलते हैं कि बाप का रोल नहीं चाहिए हमको, बेटा का रोल चाहिए, हम जवान हैं। बाप बने ना तो ये जो बड़ा क्रिएटर उसका बाप का रोल कर रहे हैं तो सीधे पिताजी के रोल में आ पाएंगे। तो चलिए ये वीडियो इतना ही रहता है, और भगवान करे कि जैसे मनी मिराज भैया अभी के समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रिएटर के रूप में जाने जाते हैं, और भगवान करे कि हमारे रियाज भाई भी सबसे अच्छे क्रिएटर बने और उनके भी तरह पॉपुलर बने। और मैं रविशंकर कुमार, ग्राउंड रिपोर्टर और कैमरामैन रविराज के साथ।